था दो पर्सन के प्रोनाउंस, दो पर्सन के प्रोनाउंस जब रहेंगे, दो पर्सन रहेंगे या तो फर्स्ट रहेगा या सेकंड रहेंगे, है ना, या सेकंड रहेगा थर्ड रहेगा या थर्ड रहेगा फर्स्ट रहेगा, तीनों पर्सन, दो पर्सन रहेगा साथ में करेगा। दो पर्सन के प्रोनाउंस जब सेंट से जुड़ते हैं तो उनके साथ कौन सा भर प्रयोग करते हैं हम लोग? प्लूरल। क्या बोलेंगे? प्लूरल, प्लूरल नहीं प्लूरल, प्लूरल। तो इसमें देखेंगे कोटि, देखेंगे प्रोनाउंस का कोटि, देखेंगे कोटि मतलब सीक्वेंस, इसका पर्स है प्रोनाउंस का सीक्वेंस होता है, प्रोनाउंस का सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सीक्वेंस इसका होता है 23, 21 और होता है 31, 23, 21, 31। इसका मतलब क्या चीज है? दो का मतलब सेकेंड, और वही वाला जो पीछे लोग पढ़े थे ना, सेकेंड को लोग डिनोट करते हैं किससे? टू से। थर्ड को? थ्री से। फर्स्ट को वन से। तो वही है जब दो साथ में रहेगा तो इसके सीक्वेंस करते हैं, वही जब तीन को आगे कर देते हैं दो को कहीं पहले दो को बाद में तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर पहला यू एंड सेकेंड यून होता है, यू एंड ही, क्या रहेगा जल्दी दोनों लिखते हैं कौन सा योग बताना है? यू एंड ही इज अपन आर, देखते हैं कौन सा योग बनाता है इसको। एंड ही इज गोइंग टू अरवल, बताइए इसमें लिखा हुआ है पुलर वर्ब है तो पुलर इसमें कौन है? इज है क्या है? क्या आर है? क्या है आर? ठीक है, इज का प्रयोग नहीं होगा, इसका सही क्या हो गया? आर होगा। क्या होगा? आर। तो किसके सीक्वेंस में देखो यहाँ पर यू के जो कौन सा पर्सन है? सेकंड की थर्ड, सेकंड तो सेकंड है वही ना है और थर्ड ही है, ही के भी जगह पर सी भी हो सकता है, अगर लड़की रहेगा तो सी लिखेंगे, लड़का रहेगा तो हर, तो ऑब्जेक्टिव किस नहीं हो जाती हर होता है, कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। आगे देखो लड़की वाला लिख लेते हैं, एंड आई सी एंड आई फिल इन द ब्लैंक्स वाचिंग, लड़की लोग ज्यादा गाजी देखती है सीरियल, तो लिख देंगे सीरियल, यानी कि देखिए क्या बोल रही है वह और मैं, यानी कि लड़की दोनों लड़की है तो वह और मैं क्या लिख रहे हैं? सीरियल देख रहे हैं, या तो देख रहे हैं या देख रहे थे, दो ही भर का प्रयोग हो सकता है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पर लगाते हैं आर तो क्या हो जाएगा? ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आज ऐसे लगा देंगे भैया तो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर आप लगा सकते हैं क्या चीज? आर लगाइए तो मुझे लगाते हैं वाज, नहीं सॉरी वाज नहीं रहेगा, लगेगा वेयर, वेयर ना वेयर। अगर इसको इसी को बनाना हम क्या चीज में? प्रेजेंट में, तो क्या लगाएंगे यहाँ हम? क्या लगाएंगे? आर। तो सी एंड आई वेयर वाचिंग सीरियल, यानी कि वह और मैं या मैं और वह क्या चीज देख रहे हैं? सीरियल। देखिए यहाँ पर सी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। कौन है? थर्ड। अभी कौन है? फर्स्ट है, तो फर्स्ट का जो आई होता है क्या होता है? आई। देखे तो जब दो दो प्रोनाउंस जुड़ते हैं तो उसमें क्या हम प्रयोग करते हैं? प्लूरल्स वर्ब का। कौन सा वर्ब है? हां प्लूरल्स वर्ब, बोलो नहीं ना प्लूरल्स। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, किसका लेते हैं? इसका, इसका ले लिया, उसे दो और एक लेते हैं। यू एंड आई फिल इन द ब्लैंक्स द
बेस्ट फ्रेंड ना, फ्रेंड 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 बेस्ट फ्रेंड पदिकात। यहाँ पर देखिए आप क्या लगाइएगा, यहाँ पर आर लगाइए तो फिर क्या लगाइए, यार लगाइए तो फिर क्या लगाएगा, वगैरह लगाइएगा, यानी क्या हो सकता है। अगर प्रेजेंट में तो लगा देंगे हम यहाँ आर, तो जगह यू एंड आई, और लाइकन सोचता है कि यहाँ पर आई है, तो हम पढ़े थे बचपन में आई के साथ एम लगता है, तो डायरेक्ट लगा दे एम है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको भी ध्यान देना है कि दो दो प्रोनाउंस जुड़े हुए हैं, दो पर्सन के दो प्रोनाउंस जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आप और मैं, तो मैं और आप क्या चीज है, एक अच्छा फ्रेंड्स है, दोस्त है, क्या है, दोस्त फ्रेंड्स है ना। देखो दोस्ती के लिए सुनो, एक लाइन सुनो, सुनाते हैं, मिलना बिछड़ना किस्मत का खेल है, मिलना बिछड़ना किस्मत का खेल है, कभी नफरत तो कभी दिलों का मेल है, कभी नफरत तो कभी दिलों का मेल है, हर रिश्ता बिक जाता है इस दौलत के बाजार में, हर रिश्ता बिक जाता है इस दौलत के बाजार में, एक दोस्ती है जो नॉट फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है, यही क्या दोस्ती है। तो पहला रूल यहाँ तक है, चलिए देखते हैं पांचवा रूल्स। पांचवा रूल्स में क्या चाहिए, देखिए कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ते हैं तो उनके फर्स्ट में सिंगुलर नाउन में क्या रहेगा, पहले में कोई आर्टिकल्स रहेगा, क्या रहेगा, कोई आर्टिकल्स रहेगा, या कोई पजेसिव एडजेक्टिव रहेगा, पजेसिव क्या चाहिए, कोई अधिकार, नहीं बोलते दिस इज माई वाइफ, ये क्या अधिकार होता ना, या मेरी पत्नी है अधिकार है। तीसरा क्या, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उसका एक ही पर्सन का अर्थ होता है, क्या होता है, एक ही पर्सन का अर्थ होता है, इसमें हम लोग इसमें सिंगुलर का इसके साथ सिंगुलर भर्व का प्रयोग किया जाता है। देखिए फिर से, जब कोई आर्टिकल हो या कोई पजेसिव एडजेक्टिव हो का प्रयोग हो तो उसका एक ही पर्सन निकलेगा, क्या निकलेगा, पर्सन, यानी खाली फर्स्ट में लगाना, क्या चीज सिंगुलर है, फर्स्ट में रहेगा पर्सन, उसका एक ही अर्थ निकलता हो, क्या हो, एक ही एकदम निकलेगा हमसे, है ना, एक व्यक्ति हो, क्या हो, एक व्यक्ति हो। तो सुनो एक गाना सुना रहे, उड़ते बादल से पूछो, बहती नदिया से पूछो, इन महारों से पूछो, इन नजारों से पूछो, इनको पता है मेरा नाम, मैं तो इनको सुबह शाम। उड़ते बादल से पूछो, बहती नदिया से पूछो, इन बहारों से पूछो, इन नजारों से पूछो, इनको पता है मेरा नाम, मैं तो इनके सुबह शाम। क्या एक ही अर्थ है, क्या है, एक ही अर्थ। चलिए पहला एग्जांपल इसमें देखते हैं, एग्जांपल और पहला, माय अंकल एंड गार्जियंस, माय अंकल एंड गार्जियन फिल इन द ब्लैंक्स लव्ड मी। चल देखिए पहला एग्जांपल है कि मेरे चाचा, और क्या चाहिए, गार्जियन, गार्जियन कहीं क्या होता है, अभिभावक, क्या होता है, अभिभावक। तो मेरे चाचा और गार्जियंस, देखिए अभी बताया है कि दोनों का अर्थ एक ही है, यानी कल मेरा चाचा वही है, मेरा गार्जियंस वही है, यानी एक ही व्यक्ति जो दोनों मेरा है, मेरा चाचा भी लगते हैं, मेरा गार्जियंस भी है, क्या गार्जियंस, यानी एक ही व्यक्ति है। तो माय अंकल एंड माय गार्जियंस क्या करते हैं, लव्ड मी, मुझसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फर्क का प्रयोग करेंगे, हैज के हैव, हैज क्या करेंगे, हैज, यहाँ पर लिखा हुआ सिंगुलर, इसका एक ही अर्थ निकल रहा है, दो अर्थ नहीं, एक ही अर्थ निकल रहा है,
माय माय अंकल और गार्जियन एक ही व्यक्ति है क्या है? एक ही व्यक्ति जैसे पहले ही समझा दे अभी कि पहले आर्टिकल सब पजेसिव लगेगा तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? एक ही पर्सन का निकलेगा, यानी दो अलग अलग नहीं निकलेगा। तो मेरे चाचा और मेरे कौन है गार्जियंस यानी कि अभिभावक दोनों क्या है? एक ही है। वह एक ही व्यक्ति जो जो है जो मेरा चाचा भी है मेरा गार्जियंस भी है। तो क्या लगेगा यहाँ पर? हैज। क्या लगेगा? हैज। अब यहाँ पर हैव का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? गलत। देखो यहाँ पर लगा हुआ क्या लगा हुआ है? माई। माई कची है पॉजेसिव। क्या है? पॉजेसिव है, अधिकार। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए पोएट, पोएट पोएट का स्पेलिंग होता है ए पोएट एंड फिलोसफर फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स कम। देखिए एक ही व्यक्ति है जो क्या चीज है? पोएट मतलब कवि, और फिलोसफर का जो होता है दार्शनिक होता है। फिलोसफर मतलब दार्शनिक। एक ही जो वही एक ही व्यक्ति है जो क्या चीज है? कवि भी है, क्या चीज है? फिलोसफर भी है। अब कहाँ आया है? आया है। क्या लगे यहाँ पर? यहाँ भी लगा सकते हैं हम हैज। क्या लगा सकते हैं? हैज। यहाँ क्या चीज है? कम। कब लगता है? ये भर का तीसरा रूप है कम के। कम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी फिल इन द ब्लैंक्स देयर, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी फिल इन द ब्लैंक्स आती है देयर। यहाँ बताइए यहाँ का भराएगा, जल्दी बताइए सिंगुलर कौन सी भराएगा? हैज। कब लगाते हैं? भर्व यहाँ पर है, भर्व है, देयर है, देयर मतलब वहाँ, यानी कि जो वहाँ वो एक व्यक्ति है। क्या है? एक व्यक्ति जो क्या चीज है? प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल कहीं से क्या होता है? प्रधानाध्यापक ना, या प्रधानाचार्य भी बोला जाता है। तो द प्रिंसिपल एंड क्या सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कहीं से क्या होता है? सेक्रेटरी कहीं से होता है सचिव। क्या चीज होता है? सचिव। तो जो वो एक ही व्यक्ति है जो क्या चीज है? प्रिंसिपल भी है और क्या चीज भी है? सचिव है, यानी प्रधानाध्यापक सचिव है। क्या चीज वहां पर है? अब वहां पर थे, अगर है रहेगा तो क्या लगाएंगे यहाँ पर हम? इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। और थे तो क्या लगाएंगे? वाज। इस तरह से प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, ये सचिव प्रिंसिपल। इधर दो दो नाम जब जुड़ेंगे और उनके पहले कोई आर्टिकल्स रहेगा या कोई पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? एक ही निकलेगा। अभी नहीं कहा है एक ही अर्थ निकलेगा। इसके साथ में हम सिंगुलर भार का प्रयोग करते हैं। यहाँ तो क्या है सब ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर यानी कि एस एस। एस एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या चीज है? एस एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होगा? इसका मतलब होगा एस भी का मतलब सिंगुलर भार। फिर यहाँ तक, यहाँ तक क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एस एस। एस एस ये क्या हो गया? एस भी हो गया। फिर यहाँ इसमें देख लेते हैं यहाँ तक, यहाँ यही क्या हो जाएगा? एस एस सिंगुलर सब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा? एस भी। ऐसे ही समझ सकते सिंगुलर भर्ब। तो यानी एस